सो वी आर स्टार्टिंग आवर फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इसमें जैसे आप सभी लोग हो तो आपको एक बात बड़ी क्लियर कट पता होनी चाहिए कि आप कोई भी स्टूडेंट, एनी स्टूडेंट ऑफ एनी सब्जेक्ट, वेदर इट इज अ साइंस, पंजाबी, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस और एनी सब्जेक्ट फ्रॉम आर्ट्स स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम और साइंस स्ट्रीम, एवरी वन इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इकोनॉमिक्स। जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, वी कैन बी आर सोर्स, वी कैन बी आ कंज्यूमर, वी कैन बी आ प्रोड्यूसर और वी कैन बी एज अ डिस्ट्रीब्यूटर। सो इट मीन्स देर आर डिफरेंट रोल्स वी आर प्लेइंग इन सोसाइटी। सो दोज रोल्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रिसोर्स, दोज रोल्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट वी ऑल आर वर्किंग एज अ कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। सो इससे बड़ी क्लियर बात होती है कि वी ऑल आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। वी ऑल मेक इकोनॉमिक डिसीजन एवरी डे, स्टार्टिंग फ्रॉम द मॉर्निंग टिल इवनिंग टिल नाइट वी टेक मैनी डिसीजंस एंड सम ऑफ दोज डिसीजन कैन बी रिलेटेड टू इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स फॉर एवरी वन। When it is important for everyone, it is more important for the students of economics. So you all have selected pedagogy of economics as your teaching subject. So we will go study in detail what is economics, what are the different definitions, what is the nature and scope of economics. We are starting with the history and meaning of economics. If we will talk about the worth of economics, it starts from the period when man started economic activities. In the history, whenever the man started any kind of economic activity, we can consider that particular period as a starting period of economics. So the economics word is taken from the Greek word or derived from the Greek word, which are two main words. One is oikos and second one is nemon. The first word can be translated in English as a household and the second word as to manage. So in simple words, economics is to manage household activities. It means managing a house using the limited funds available in the most possible economic manner. सो अगर हमने इसको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में अंडरस्टैंड करना है, समझना है, देन वी कैन से दैट कि इकोनॉमिक्स वो चीज है जिसपे हमने, हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसके साथ हमने अपने हाउस को कैसे मैनेज करना है। दैट इज अ डेरिवेटिव मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, अ सिंपल मीनिंग फॉर अ लेमैन। एरिस्टोटल ऑल्सो कॉल्ड इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ हाउसहोल्ड मैनेजमेंट। The above definition, which we derived from the two Greek words, is also endorsed by the Aristotle. Aristotle भी इसको क्या बता रहा है कि it is a science of household management. जो हम घर की कोई भी economic activities कर रहे हैं उसको कैसे manage करना है, उसका जो scientific way है, जो उसका proper procedure है, we learn from economics. Then अगर आप इसकी हिस्ट्री के बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे तो इकोनॉमिक्स एज अ सेपरेट सब्जेक्ट और एज अ आइडेंटिटी इसकी शुरू होती है जब कौटिल्या ने अपनी बुक पब्लिश की अर्थशास्त्र इन द पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। उसके पहले इकोनॉमिक्स को एज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स के एक पार्ट के तौर पर, एक पार्ट के फॉर्म में एज अ पॉलिटिकल इकोनॉमी लोगों द्वारा पढ़ा जाता था, उसको लर्न किया जाता था। लेकिन जब से कौटिल्या अर्थशास्त्र आ जाती है तो उसके बाद इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट, एज अ इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट उसकी एग्जिस्टेंस शुरू होती है, उसकी आइडेंटिटी बनती है। सो वी कैन से दैट कि एज अ सेपरेट सब्जेक्ट इसको प्रॉपर प्लेस दिलाने में किसका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, इट इज अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कौटिल्याज बुक अर्थशास्त्र। When we will be looking for a definition of economics, it is a very difficult task to define economics itself, because a test of good definition is whether it delimits boundaries of the subject clearly and correctly.
So whenever we will be looking a particular definition of economics, we will be looking for a definition which explain the component which delimit the subject areas. So it is very difficult task to define economics. Wooten has rightly said, one economist says, whenever six economists gather, there are seven opinions. कि जब भी किसी place पे छह economists इकट्ठे हो जाते हैं तो वहां पे seven opinion बन जाती हैं. This is one symbolic line which shows that economics is a dynamic subject. Whenever the six economists are together, they discuss so many things, and in their discussion they can draw seven opinion. It means a person who came into the meeting with one opinion may exit the meeting with two opinion. So it means isme jitni aap discussion karte ho, jitna iska dynamic areas hai, uske accordingly iski definition time to time change hoti rahi hai. So aise hi according to Jacob Wiener, economics is what economists do. तो उसने उसको सिंप्लीफाई डिफाइन करने के लिए क्या कहा है कि इकोनॉमिक्स क्या है जो इकोनॉमिस्ट करते हैं. जैसे जैसे उनके काम एक्सपेंड होते जाएंगे वैसे वैसे उसकी डेफिनेशन भी एक्सपेंड होती जाएगी. देन अकॉर्डिंग टू जिथम इकोनॉमिक्स इज एन अनफिनिश्ड साइंस जो अभी खत्म नहीं हुई है दैट इज डेवलपिंग डे बाय डे. सो वी कैन नॉट कन्फाइन इकोनॉमिक्स टू अ वन स्टैटिक डेफिनेशन. So we have to find out the origin of the first definition of economics, then second, then third, then fourth, how different in different times we have defined economics. So above three lines or three statements by different economists clearly shows that it is a very difficult task to define economics, but we have to do it. We have to define economics. So when we will dive deep into the definitions of economics, जब हम थोड़ा सा deep जाते हैं उसको understand करने की कोशिश करेंगे कि no doubt difficult task है economics को define करना, लेकिन हम कैसे करें, क्या procedure adopt करें, then we will look on these four group of definitions. आपने इसके बारे में पहले सुना होगा, आपने अपनी ग्रेजुएशन में इसके बारे में पढ़ा होगा कि जब भी हम इकोनॉमिक्स को डिफाइन करते हैं या इकोनॉमिक्स के नेचर के बारे में बताने की कोशिश करते हैं, देन वी लुक अपॉन दीज फोर पैरामीटर्स. सबसे पहले जब इकोनॉमिक्स को डिफाइन करने की कोशिश की गई, जो सबसे ओल्डेस्ट डेफिनेशन हम इसकी बनाते हैं, तब एडम स्मिथ, जे एस मिल, रिकार्डो, आपने क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का नाम आपने जरूर अपने ग्रेजुएशन में सुना होगा. बेसिकली ये तीनों उसी ग्रुप ऑफ इकोनॉमिस्ट से बिलोंग करते हैं. इन्होंने जो बेसिक पॉइंट दिया, इन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन करने की कोशिश की इन टर्म ऑफ वेल्थ. सो बहुत से इकोनॉमिस्ट जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट भी जिनको बोला जाता है, उनका थॉट इस लाइन पे था कि इकोनॉमिक्स एंड वेल्थ आर सिनोनिमस. जब भी हमने इकोनॉमिक्स को डिफाइन करना है, वी कैन डिफाइन इकोनॉमिक्स इन टर्म ऑफ वेल्थ. इसमें सबसे बड़ा नाम आता है एडम स्मिथ का. इसके बाद टाइम टू टाइम डेफिनेशन चेंज होती रही है. पहली डेफिनेशन में कुछ क्रिटिसिज्म आया, उसके बाद मार्शल सेकंड डेफिनेशन लेके आए वेलफेयर की, देन उसके बाद प्रोफेसर रॉबिन्स ने मार्शल की डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया, एंड ही प्रपोज्ड शी प्रपोज्ड अनदर डेफिनेशन, अ स्कार्सिटी डेफिनेशन. देन उसके बाद प्रोफेसर सैमुअलसन का कंसेप्ट है जिसमें ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन की बात हो रही है. इट मीन्स ब्रॉडली व्हेन वी आर डिफाइनिंग इकोनॉमिक्स, वी कैन डिवाइड इकोनॉमिक्स डेफिनेशंस इनटू दीज four broader categories. So first of all we will discuss about the wealth definitions. जैसे मैंने पहले अभी बताया है कि वेल्थ डेफिनेशन में सबसे बड़ा नाम आता है एडम स्मिथ का. ही वॉज द फाउंडर ऑफ क्लासिकल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स. एडम स्मिथ इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. इन हिज फेमस बुक एन इंक्वायरी इन टू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में जो पब्लिश हुई, तो उसके पहले इसका एक पेपर पब्लिश हुआ था, देन उस पेपर को आगे डिटेल में ज्यादा एक बुक के फॉर्म में पब्लिश किया गया, दैट डिफाइन इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ वेल्थ. जब वो साइंस ऑफ वेल्थ बताता है तो उसमें क्या क्या कंपोनेंट इंक्लूड करता है, दिस मींस हिज डेफिनेशन डील्स विद एक्विजिशन,
डॉक्यूमेंटेशन एंड एक्सपेंडिचर ऑफ वेल्थ. वो क्या बता रहा है कि इकोनॉमिक्स क्या है, वेल्थ की एक्विजिशन, वेल्थ की डॉक्यूमेंटेशन एंड वेल्थ का एक्सपेंडिचर. सो इट एग्जामिन्स हाउ पीपल अर्न वेल्थ एंड हाउ स्पेंड वेल्थ. सो इसने अपनी पूरी डेफिनेशन को एक की पॉइंट पे, एक सेंट्रल पॉइंट पे फिक्स किया है, दैट इज वेल्थ. वो वेल्थ कैसे इकट्ठा किया जाता है, उस वेल्थ को कैसे स्टोर किया जा रहा है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे की जा रही है, उस वेल्थ को कैसे खर्च किया जा रहा है, लोग कैसे उसको अर्न करते हैं, लोग कैसे उसको स्पेंड करते हैं. सो इन नटशेल द होल सिनेरियो ऑफ द वेल्थ डेफिनेशन रिवॉल्व्स अराउंड द वर्ड वेल्थ. सो द सेंट्रल पॉइंट इन स्मिथ्स डेफिनेशन इज वेल्थ क्रिएशन. ही अज्यूम्ड दैट द वेल्थियर अ नेशन बिकम्स द हैप्पियर ऑल इट्स सिटीजन आर. सो स्मिथ क्या मानता था कि जितना कोई नेशन वेल्थियर होता जाएगा, उतने ही उसके जो वहां पे रहने वाले लोग हैं, जो उसके सिटीजन्स हैं, वो उतने ही खुश होते जाएंगे. लेकिन अगर हम आज के सिनेरियो में इस कॉन्टेक्स्ट की बात करें, यू विल फाइंड इजिली सो मैनी क्रिटिसिज्म पॉइंट कि ऐसा नहीं होता कि एक कंट्री में पैसा बहुत हो सकता है लेकिन उसके बहुत से लोग बहुत गरीब हो सकते हैं, बहुत उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बुरी भी हो सकती है. इन केस वो मनी सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में है. सो दैट दिस स्टेटमेंट ऑफ एडम स्मिथ वाज क्रिटिसाइज्ड बाय मैनी इकोनॉमिस्ट. सो आज के सिनेरियो में हम इसको इजिली क्रिटिसाइज कर सकते हैं. सो एडम स्मिथ के अकॉर्डिंगली इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट विच टेल्स अस हाउ टू मेक नेशन वेल्दी. सो जैसे आपने पूरी स्लाइड पे जो डिस्क्रिप्शन दी गई है उसके अकॉर्डिंगली यू कैन इजिली कंक्लूड दैट एडम स्मिथ वॉज सेइंग दैट इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ वेल्थ. कैसे वेल्थ इकट्ठा किया जाता है, कैसे वेल्थ को डॉक्यूमेंट किया जाता है, कैसे वेल्थ को एक्सपेंडिचर किया जाता है. इसके साथ जो और लोग थे वो जे एस मिल, जे बी से, वॉकर, ऑल दीज इकोनॉमिस्ट हैज इंडोर्स द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ वेल्थ डेफिनेशन. सो इन सभी को हम एक ग्रुप में डालते हैं. दीज आर कॉल्ड द इकोनॉमिस्ट हु बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ वेल्थ डेफिनेशन. सो जैसे आप तीन को लर्न करोगे, वन बाय वन स्टडी करोगे, यू विल फाइंड दैट एडम स्मिथ, जे एस मिल एंड जे बी सी एंड वॉकर ऑल आर फोकसिंग ऑन द मेन सेंट्रल आइडिया दैट इज वेल्थ टू डिफाइन इकोनॉमिक्स. यू कैन गो थ्रू दीज डेफिनेशन इन डिटेल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स. देन इस डेफिनेशन की हम अगर जितनी भी चार पांच डेफिनेशन हमने लास्ट स्लाइड में देखी हैं, अगर हम उनमें से की पॉइंट निकालने की कोशिश करें तो सभी डेफिनेशन इन तीन चार पॉइंट पे फोकस कर रही हैं. फर्स्ट, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ ओनली. चाहे मिल बता रहे हैं, चाहे से कर बोल रहे हैं, जेबी से, चाहे एडम स्मिथ बोल रहे हैं, वो सभी वेल्थ की बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक्स किसकी स्टडी है. इट इज अ स्टडी ऑफ वेल्थ. तो सेकंड जो है कि नेचर और मीनिंग ऑफ वेल्थ. सेकंडली क्या डिफाइन कर रही हैं डेफिनेशंस, क्या बता रही हैं कि वेल्थ को, वेल्थ की नेचर क्या है और वेल्थ का अर्थ क्या है, वेल्थ का मीनिंग क्या है. देन थर्ड डेफिनेशन किसकी हुआ, थर्ड पॉइंट क्या है उसमें, द कॉजेज ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन वेल्थ. इस वेल्थ डेफिनेशन ने किसको ज्यादा डिफाइन करने की कोशिश की कि कैसे किसी नेशन का वेल्थ इंक्रीज होता है, कैसे उसका वेल्थ डिक्रीज होता है. तो लास्ट, तो इन डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली इन्होंने जो पिक्चर बनाई मैन की, मैन इज एन इकोनॉमिक आइडेंटिटी. एज पर वेल्थ डेफिनेशन दे हैव डिफाइंड मैन एज अ इकोनॉमिक मैन. दीज आर द कॉमन फीचर्स ऑफ वेल्थ डेफिनेशन. सो जैसे मैंने अभी आपसे पहले ही बात की है कि वेल्थ डेफिनेशन का क्रिटिसिज्म भी हुआ, बहुत साल तक चलती रही, लेकिन साथ ही इसमें क्रिटिसिज्म करने में सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म किया मार्शल ने, जिसने इसके बाद सेकंड डेफिनेशन प्रपोज की, वेलफेयर डेफिनेशन. सो एक ग्रुप ऑफ इकोनॉमिस्ट ने वेल्थ डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया. उनके जो मेन की पॉइंट थे क्रिटिसिज्म के, वो हम यहाँ पे सम अप कर रहे हैं. द फर्स्ट वन इज मोर एम्फेसिस ऑन वेल्थ. जैसे आपने पहले स्लाइड्स में देखा भी है कि इन डेफिनेशंस में जरूरत से ज्यादा एक ही चीज पे फोकस किया गया, दैट वॉज वेल्थ. सेकेंडली, इन्होंने सिर्फ इकोनॉमिक मैन की बात की है. मैन कैन बी अ सोशल आइडेंटिटी,
मैन कैन बी ए मॉरल आइडेंटिटी, उसने इंसान के और एस्पेक्ट को इग्नोर किया. देन इन्होंने जो वेल्थ की डेफिनेशन दी है, वेल्थ डजंट इंक्लूड ओनली मनी और द सम ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ वेल्थ. वेल्थ में बहुत सी चीजें हो सकती हैं. वेल्थ की जब हम इन डिटेल पढ़ेंगे, देन वी कैन फाइंड दैट वेल्थ कैन बी गोल्ड, वेल्थ कैन बी सिल्वर, वेल्थ कैन बी करेंसी, वेल्थ कैन बी लैंड, वेल्थ कैन बी योर नॉलेज. सो उस उन्होंने इतनी डिटेल नहीं गए, उन्होंने सिर्फ एक नैरो डेफिनेशन दी वेल्थ की. देन वेलफेयर एस्पेक्ट इज नेग्लेक्टेड. मार्शल सेज दैट इन द वेल्थ डेफिनेशन देयर इज नो रेफरेंस ऑफ द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, welfare of the man. So welfare concept was totally neglected in the wealth definition of economics. तो उसके बाद जो अगला criticism होता है कि there is no focus on problem of scarcity and choice. In the wealth definition, all the economist has focus only on the knowing the wealth, their creation, their documentation. उन्होंने किसी ने भी जो स्केयरसिटी है कि रिसोर्सेज स्केयर हैं और उनकी चॉइसेस हैं, हम ये चूज करना है, हमने वो चूज करना है, इन चीजों पे इस डेफिनेशन ने बात नहीं की. दैट इज अ बिगेस्ट क्रिटिसिज्म ऑफ वेल्थ डेफिनेशन. देन नो रेफरेंस ऑफ मींस टू अटेन वेल्थ. वेल्थ क्या है बताया गया है, किस नेशन के पास जितनी ज्यादा वेल्थ होगी उतना ज्यादा हैप्पियर होगा, एडम स्मिथ कहते हैं. लेकिन वेल्थ को अटेन करने के मींस क्या है, प्रोसीजर क्या है, क्या क्या वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होगा, उस पे डिटेल बात नहीं की गई. दीज वर द पॉइंट्स ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ वेल्थ डेफिनेशन गिवन बाय क्लासिकल इकोनॉमिस्ट. सो इसके बाद जो सेकेंड डेफिनेशन आती है वो आती है हमारे पास वेलफेयर डेफिनेशन, जिसको कौन किसने उस सारी मूवमेंट को लीड किया, दैट वाज मार्शल. आपने ये सारे पॉइंट ऑलरेडी ग्रेजुएशन में पढ़ रखे हैं. आई एम ऑलरेडी जस्ट रिवाइजिंग दोज पॉइंट. दैट इज वेलफेयर डेफिनेशन. वेलफेयर डेफिनेशन वाज गिवन बाय डॉक्टर मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स इन 1890. हिज डेफिनेशन हैज थ्री मेन कॉम्पोनेंट. वन इज इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड. पहली बात क्या बोल रहा है कि इकोनॉमिक्स किसकी स्टडी है, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. जो उसके रूटीन में काम चल रहे हैं, जो बिजनेस चल रहा है, इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन विच इज मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड यूज ऑफ मटेरियल रिक्विजिट ऑफ वेलबींग. तो मार्शल ने अपनी डेफिनेशन में ये बताने की कोशिश की है कि इकोनॉमिक्स मैनकाइंड की स्टडी है, जो ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में वो रहता है, अपने आप को अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, बिहेव कर रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहा है, तो इसमें उसका इंडिविजुअल और सोशल दोनों चीजें इंक्लूड होनी चाहिए. और ये सभी वो वेल्थ क्यों कलेक्ट कर रहा है, क्योंकि वो लोगों की वेलबींग के लिए काम करना चाहता है और लोगों की वेलबींग को इग्नोर नहीं किया जा सकता. सो मार्शल की डेफिनेशन जो वेल्थ की डेफिनेशन से उससे बिल्कुल कंट्रास्ट में आती है. एडम स्मिथ क्या बोल रहा है कि इकोनॉमिक्स का मीनिंग है वेल्थ को इकट्ठा करना, वेल्थ को जोड़ना, वेल्थ को डिपॉजिट करना. जितना वेल्दियर नेशन होगा उतने हैप्पियर उसके लोग होंगे. लेकिन जब मार्शल बात करता है, मार्शल क्या बता रहा है कि वेल्थ इज नॉट द सोल पर्पस ऑफ इकोनॉमिक्स. हमारा पर्पस है उस वेल्थ के साथ हम कितना वेलफेयर कर सकते हैं, ताकि हम मैनकाइंड को कैसे सर्व कर सकें. तो इस बात पे टोटली ऑपोजिट साइड पे आते हैं मार्शल एंड एडम स्मिथ. सो दीज आर द फीचर्स ऑफ वेलफेयर डेफिनेशन, जिसमें सबसे पहली बात जैसे हमने लास्ट डेफिनेशन में पढ़ा था, वेल्थ वाली डेफिनेशन में, उसमें क्या बताया गया था कि सिर्फ इकोनॉमिक मैन है. लेकिन यहाँ पे क्या बात हो रही है कि मैन कैन बी अ सोशल और ही कैन बी अ गुड पर्सन हु थिंक्स अबाउट द वेलफेयर ऑफ अदर पीपल. वो सिर्फ प्रॉफिट लॉस नहीं देख रहा है, वो वेलबींग भी देख रहा है. सो एक एज अ होल बात की गई है, एज अ सोशल मैन बात की गई है. देन ऑर्डनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. ऑर्डनरी बिजनेस ऑफ लाइफ मीन्स जो बिल्कुल साधु संत हैं, जो महात्मा हैं, उनकी स्टडी नहीं इकोनॉमिक्स में,
उनको इन चीजों से कुछ नहीं लेना। इसका पर्पस क्या है कि जो रूटीन के काम हो रहे हैं लाइफ के, उसकी इकोनॉमिक्स क्या करता है, स्टडी करता है। देन स्टडी ऑफ रियल मैन, जैसे मैंने अभी बताया, अगर कोई बंदा, कोई पर्सन मेंटली गुड कंडीशन में नहीं है तो उसकी स्टडी इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो कोई भी बिहेव कर सकता है जो इकोनॉमिक्स की टर्म में सही या गलत हो सकता है। देन मटीरियल रिक्विजिट्स, हर एक चीज के लिए कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट है, जो मटेरियल चीजें अचीव करनी है उसका कोई ना कोई पर्पस है। देन इसने एक और नई बात बोली कि इकोनॉमिक्स इज साइंस एज वेल एज आर्ट, के दोनों चीजें हैं जिसको हम नेचर में डिटेल में स्टडी करते हैं, कि नाउ इकोनॉमिक्स इज अ साइंस एज वेल एज आर्ट। एक और नई बात की वेलफेयर डेफिनेशन है, दैट इज अ क्लासिफिकेटरी डेफिनेशन। इसने क्लासिफाई किया सोशल मैन, इकोनॉमिक मैन, ऐसे ही पॉजिटिव नेगेटिव, साइंस आर्ट। सो इसने क्या किया, एक्टिविटी को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करने की कोशिश की कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये इकोनॉमिक मैन का है, ये सोशल मैन है। सो मार्शल डेफिनेशन गिव्स अस अ क्लासिफिकेटरी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। देन लास्टली एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रॉपर रिलेशनशिप ऑफ वेलफेयर एंड वेल्थ। मार्शल ट्राई टू एक्सप्लेन एंड ट्राई टू मेक अ रिलेशनशिप बिटवीन द वेल्थ ऑफ अ नेशन एंड द वेलफेयर ऑफ द नेशन। सो इन दिस वे दिस वेलफेयर डेफिनेशन इज कंप्राइजेज ऑफ दीज काइंड ऑफ मेन फीचर्स। सो ये कुछ मेन पॉइंट है जिसको हम वेलफेयर डेफिनेशन के पॉइंट लिख सकते हैं। देन इसका क्रिटिसिज्म हुआ, जैसे वेल्थ डेफिनेशन का क्रिटिसिज्म हुआ, ऐसे ही वेलफेयर डेफिनेशन का क्रिटिसिज्म हुआ। और इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म किया प्रोफेसर लियोन रॉबिन्स ने। रॉबिन्स इसको क्रिटिसाइज करते हैं ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड। सबसे पहला पॉइंट के ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ को प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया गया, जिसपे रॉबिन्स अपना क्रिटिसिज्म देते हैं। सेकेंड, उन्होंने बताया कि इस डेफिनेशन ने इकोनॉमिक्स का एक लिमिटेड स्कोप दिया है, इसको वाइडर नहीं किया। देन थर्ड, उन्होंने क्या बताया कि जो वेलफेयर का कंसेप्ट मार्शल दे रहे हैं उसको मार्शल खुद ही प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर पा रहे कि वेलफेयर क्या है। किसी के लिए वेलफेयर कुछ और हो सकता है, किसी के लिए वेलफेयर कुछ और हो सकता है। सो वेलफेयर एज पर रॉबिन्स इज नॉट प्रॉपरली डिफाइंड इन वेलफेयर डेफिनेशन। सो जैसे हम सब्जेक्टिविटी की बात करते हैं कि एक पर्सन के लिए खुशी कुछ और हो सकती है, आपके लिए खुशी हो सकती है आपकी फैमिली में आधा घंटा समय स्पेंड करना, हाफ एन आवर अगर आपने फैमिली में बड़े अच्छे अपने माता पिता के साथ, बहन भाइयों के साथ आपने स्पेंड किया, वो आपके लिए खुशी हो सकती है। दूसरे पर्सन के लिए वही हाफ एन आवर कुछ बहुत अच्छी डिशेस लेना हो सकता है। थर्ड के लिए कोई और हो सकता है, गाड़ी ड्राइव करना हो सकता है। सो कहने का अर्थ क्या है कि जो वेलफेयर का कंसेप्ट है वो प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया गया। देन इकोनॉमिक्स इज अ ह्यूमन साइंस। इन्होंने क्या बताया कि जब हम उसको डिफाइन करते हैं तो इसको हमने वाइडर प्रस्पेक्टिव में देखना है। सो हमें इसको क्या कंसिडर करना चाहिए, इकोनॉमिक्स एज अ ह्यूमन साइंस। एक हमने जैसे लास्ट स्लाइड पे बात की है कि मार्शल ने बहुत सी एक्टिविटीज को क्लासिफाई करने की कोशिश की। अब रॉबिन्स क्या बताते हैं, क्लासिफाई तो कर दिया, दैट इज गुड थिंग, बट इट इज नॉट एनालिटिकल। उसको एनालाइज नहीं किया कि ये क्यों है, ये कैसे होता है, ये कहाँ होता है, उसका एनालिसिस नहीं किया, सिर्फ क्लासिफाई करके छोड़ दिया। देन इकोनॉमिक्स क्या है, पॉजिटिव साइंस भी है, जैसे हम बात करते हैं पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव दोनों साइंस होती हैं। सो रॉबिन्स इसको एक स्टेप आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि पॉजिटिव साइंस के साथ साथ पॉजिटिव साइंस एंड अ नॉर्मेटिव साइंस। देन कम्स इम्प्रैक्टिकल, जो वेलफेयर की डेफिनेशन मार्शल दे रहे हैं उसको जो रॉबिन्स क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि ऐसा वेलफेयर का कंसेप्ट जो मार्शल प्रेजेंट कर रहे हैं, दैट सीम्स टू बी इम्प्रैक्टिकल। उसको नेशंस में, स्टेट्स में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कैसी उसकी रूपरेखा होगी, इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। देन लास्ट, नो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। जैसे ऊपर क्लासिफाई किया मार्शल ने दो दो तीन तीन पार्ट्स में, लेकिन उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन मिसिंग थी। सो दीज वर द पॉइंट्स ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ वेलफेयर डेफिनेशन। देन उसके बाद प्रोफेसर रॉबिन, जिन्होंने क्रिटिसाइज किया वेलफेयर डेफिनेशन को, उन
के कुछ पॉइंट्स और अदर इकोनॉमिस्ट के पॉइंट, जो अदर इकोनॉमिस्ट स्कार्सिटी की डेफिनेशन पे काम कर रहे थे, जो उस कंसेप्ट को आगे लेके जा रहे थे, तो उन सभी डेफिनेशन को हम क्या बोलते हैं, द थर्ड ग्रुप ऑफ डेफिनेशन, दैट इज स्कार्सिटी डेफिनेशन। अब स्कार्सिटी डेफिनेशन क्या है, कहाँ से आता है कंसेप्ट, जब रॉबिन्स अपना एक पेपर पब्लिश करते हैं, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, उन्होंने 1932 में इसको पब्लिश किया। उसके बाद से स्कार्सिटी डेफिनेशन, जिसको स्केयरसिटी और स्कार्सिटी दोनों वर्ड से प्रोनाउंस करते हैं, सो उसको हमने अडॉप्ट कर लिया, उसको पॉपुलराइज हुआ वो कंसेप्ट इकोनॉमिक्स के फील्ड में। अब रॉबिन्स क्या डिफाइन कर रहे हैं कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर्स मीन्स। वो क्या बता रहे हैं कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो ये बताती है कि कैसे रिलेशनशिप बनाना है एंड्स एंड स्केयर मीन्स। हमारे जो मीन्स है वो लिमिटेड है, हमारे एंड्स क्या है, अनलिमिटेड है। हम बहुत सी जरूरतें रखते हैं, लेकिन जरूरतें और हमारी इच्छाएं बहुत हैं, उसको पूरा करने के लिए हमारे पास सोर्सेस लिमिटेड है। हमने उसमें कैसे रिलेशनशिप बनाना है, कैसे बैलेंस बनाना है, दैट इज इकोनॉमिक्स। ऐसे ही अदर इकोनॉमिस्ट हैं जो इसको डिफाइन करते हैं, यू विल गो थ्रू द डेफिनेशन एंड अंडरस्टैंड दैट द स्कार्सिटी डेफिनेशन फोकस ऑन दीज पॉइंट्स। वन इज अनलिमिटेड वॉन्ट्स और एंड्स। इट अज्यूम दैट कि हर एक इंसान और सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनकी क्या है, अनलिमिटेड वांट्स हैं, लेकिन उन वांट्स को अचीव करने के उनके पास क्या है, लिमिटेड और फ्यू मींस। सो डिमांड ज्यादा है, रिसोर्सेस कम है। दो बातें क्लियर होगी। देन थर्ड, जो रिसोर्सेस हैं उनका एक से ज्यादा वे से यूज किया जा सकता है उन रिसोर्सेस को। देयर इज ऑल्टरनेटिव वेज टू यूज दोज रिसोर्सेस। हम उसको एक इस तरीके से यूज कर सकते हैं, दूसरा दूसरे वे से यूज कर सकते हैं। सो देयर आर ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ यूजिंग दोज मीन्स। सो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा, हमें चॉइस करनी पड़ेगी कौन से रिसोर्स को किस वांट के लिए हमने यूज करना है। देन वांट्स डिफर इन अर्जेंसी। जो पहले पॉइंट पे हमने बात की है कि देयर आर अनलिमिटेड वांट्स, बट उसके साथ साथ एक बात क्या है कि दीज डिमांड, दीज वॉन्ट्स डिफर इन अर्जेंसी। एक हमारी जरूरत अभी पूरी होनी चाहिए और दूसरी जरूरत को हम 1 मंथ के लिए, 1 साल के लिए डिले कर सकते हैं। जैसे फूड है, आपने सुबह से खाना नहीं खाया, शाम को खाना आपके लिए एक वॉन्ट है, आपके लिए जरूरत है। ऐसे ही आपने एक नई ड्रेस लेनी है, वो ड्रेस और फूड दो वॉन्ट्स हैं आपके पास। अगर आपने दो में से चूज करना हो तो दोनों की अर्जेंसी के अकॉर्डिंगली यू कैन चूज कि मेरी पहले खाना की डिमांड पूरी होनी चाहिए, वांट पूरी होनी चाहिए, उसके बाद आई कैन गो फॉर ड्रेस। सो वांट्स डिफर इन अर्जेंसी। ऐसे ही जो ऊपर हमने अब 4 पॉइंट डिस्कस किए हैं, इन चारों पॉइंट के बेसिस पे क्या जनरेट होती हैं, बहुत सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, किस वांट को अचीव करना है, किस रिसोर्स के साथ अचीव करना है, और कैसे रिसोर्स को यूज करना है, किस वांट को पहले रखना है अपनी डिमांड को, किसको बाद में रखना है। सो सभी चीजें क्या जनरेट करती हैं, ऑल दीज थिंग जनरेट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। उसके बाद जब हम मीन्स की बात कर रहे हैं कि एक मीन को हम अलग अलग वे से यूज कर सकते हैं, जब हम एक चीज के बदले दूसरी चीज कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि अलग अलग रिसोर्सेज हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। अगर हम एक फैक्टर को दूसरी जगह पे लगाएंगे, जहां पे उसको लगाया है उसके बदले में जहां पे वो नहीं लगा, वो क्या है, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ऐसे ही इसने क्या माना है कि इकोनॉमिक्स इज अ पॉजिटिव साइंस, हमने पिछले पॉइंट पे बात की थी। देन इट स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज अ होल, इसने उस कंसेप्ट को और वाइडर करने की कोशिश की है। देन इट इज अ एनालिटिकल डेफिनेशन, ये वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को एनालाइज कर रही है कि प्रॉब्लम
क्या है, उसके कारण क्या है, उसकी डिमांड मींस कैसे, मींस को चेंज किया जा सकता है, कैसे डिमांड्स को डिफर होती हैं अर्जेंसी में, इसने एज अ होल सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को एनालाइज करने की कोशिश की है. देन दिस डेफिनेशन हैज अ वाइडर स्कोप. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज गिवन इकोनॉमिक्स अ यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस. सो ये कुछ पॉइंट हैं जो डेफिनेशन, जो स्कार्सिटी की डेफिनेशन है उसके की पॉइंट हम बोल सकते हैं जिन पे ये सारी डेफिनेशंस बेस्ड हैं. अब जैसे पहली डेफिनेशन, दो डेफिनेशंस का क्रिटिसिज्म हुआ था, वैसे ही इस डेफिनेशन का भी क्रिटिसिज्म हुआ. सबसे पहला क्रिटिसिज्म का ये किया जाता है कि इसमें कंसील्ड कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर ऑलरेडी है. जब हम बातें कर रहे हैं कि वेलफेयर की बात तो रॉबिन्स भी मान रहे हैं, लेकिन वो छुपा हुआ कंसेप्ट है इसमें. देन इसने सोशल आस्पेक्ट जो इकोनॉमिक्स का है उसको क्लियर कट डिफाइन नहीं किया, इग्नोर किया है. देन इसने सिर्फ क्या बताया, ज्यादा फोकस किस पे किया है, पॉजिटिव साइंस पे. व्हाट इज, इसने किसकी बात की है, व्हाट इज, हम कैसे अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. लेकिन इसका क्रिटिसिज्म करने वाले लोग क्या बोलते हैं कि जो नॉर्मेटिव साइंस है, नॉर्मेटिव साइंस होती है व्हाट आउट टू बी, पॉजिटिव साइंस होती है व्हाट इज, अब क्या है, उसको भी आप क्या बोलते हैं, पॉजिटिव साइंस. नॉर्मेटिव आगे क्या होगा. तो यो जब ये बात कर रहे हैं कि कहीं कहीं पे रॉबिन्स नॉर्मेटिव की बात करते हैं, लेकिन एज अ होल उन्होंने किस पे फोकस ज्यादा किया है, पॉजिटिव साइंस पे. और इसका क्रिटिसिज्म करने वाले क्या बोलते हैं कि नॉर्मेटिव साइंस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स. सो नेक्स्ट क्रिटिसिज्म इज इकोनॉमिक्स इज नॉट न्यूट्रल बिटवीन एंड्स. देन जो इन्होंने कंसेप्ट दिया है वो कॉम्प्लेक्स है और अब्स्ट्रैक्ट है, उसकी रियल लाइफ में जब उसको इम्प्लीमेंट करते हैं प्रॉब्लम्स आती हैं, इसीलिए इसको इम्प्रैक्टिकल बोला गया है. देन एक और बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ इस डेफिनेशन का, क्या बोला गया कि दिस डेफिनेशन इज नॉट एप्लीकेबल ऑन रिच और डेवलप्ड कंट्रीज, बिकॉज के वहां पे तो लोगों के पास रिसोर्सेज बहुत है. अगर कोई कंट्री बहुत अमीर है, बहुत डेवलप हो चुका है, उसके पास ऑब्वियसली रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा होंगे. तो हो सकता है बहुत अमीर कंट्रीज के पास, जो रॉबिन्स ने बात बताई है कि हमारे पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अनलिमिटेड वांट्स हैं, हो सकता है कि वहां पे ये डेफिनेशन प्रॉपरली एप्लीकेबल ना हो. देन ऐसे ही सोशलिस्ट कंट्रीज हैं, अभी तो ये सोशलिस्ट कंट्रीज बहुत कम बचे हैं पूरे अगर हम वर्ल्ड में देखते हैं. लेकिन जब ये डेफिनेशन का क्रिटिसिज्म आया था उस समय कुछ कंट्री सोशलिस्ट कंट्रीज थे, बहुत बड़े बड़े कंट्री, जैसे रशिया की बात करते हो आप, तो बहुत से रशिया चाइना सोशलिस्ट कंट्री थे, वहां पे तो जो मींस है उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, वो लोगों की वेलफेयर के अकॉर्डिंगली उनको यूज करते हैं. तो वहां पे जो स्केयर मींस और अनलिमिटेड वांट्स है उसका कंसेप्ट प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं होगा, क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट उसको मैनेज करती है. सो ऐसे ही एक और क्रिटिसिज्म किया गया कि स्कार्सिटी के डेफिनेशन में बहुत सी कंफ्यूजन्स हैं. और लास्ट, इट इज अ स्टैटिक डेफिनेशन नॉट अ डायनामिक डेफिनेशन. इन वे से स्कार्सिटी डेफिनेशन का भी किया गया क्रिटिसिज्म. उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आती है ग्रुप ऑफ डेफिनेशन, ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन. इसमें सबसे बड़ा टास्क किया प्रोफेसर सैमुएलसन ने. हम जस्ट 5 मिनट 3-4 मिनट और लेंगे इसको कंपाइल करने में. सो सैमुएलसन सेज दैट इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी एंड्स अप choosing with or without the use of money to employ scarce productive resources that could have alternative uses to produce various commodities over time and distributing them for consumption now or in the future. जो हम positive normative की बात कर रहे थे, now or in the future among various persons and groups in society, it analyzes cost and benefit of improving पैटर्न ऑफ रिसोर्स एलोकेशन. इसने स्कार्सिटी की डेफिनेशन को और एक्सटेंड करते हुए पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस को इंक्लूड करते हुए उसका स्कोप क्या किया, पहले से वाइडर किया और एनालाइज करने की कोशिश की कि कॉस्ट एंड बेनिफिट क्या है अगर हम उसके जो रिसोर्स एलोकेशन है उसके पैटर्न को इम्प्रूव करते हैं, कैसे हम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं.
ऐसे ही फर्गूसन ने अपनी डेफिनेशन दी कि इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक एलोकेशन ऑफ स्केयर्स फिजिकल एंड ह्यूमन मींस अमंग कंपीटिंग एंड्स, कि कैसे हम उनका प्रॉपर एलोकेशन करके मिनिमम रिसोर्सेज से मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं ताकि हम मैक्सिमम ग्रोथ कर पाए, एंड एलोकेशन दैट अचीव अ स्टिपुलेटेड ऑप्टिमाइजिंग और मैक्सिमाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स। लास्ट बैनम भी यही बात कर रहा है कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग एम्प्लॉयमेंट एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। सो इन डेफिनेशंस ने एक वाइडर डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की प्रपोज की जिसको हम ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशंस कहते हैं। इनके जे चार मेन कंपोनेंट हैं ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशंस के। इकोनॉमिक रिसोर्सेज की बात करते हैं जिसमें मींस आते हैं, कैसे हम उनको पूरा करना है। सेकेंडली उनकी एफिशिएंट एलोकेशन कैसे करनी है ताकि हम आज की डिमांड भी पूरी कर पाए और फ्यूचर की भी कर पाए। अब क्या है ग्रोथ ओरिएंटेड क्या है, रॉबिन्स सिर्फ प्रेजेंट की बात कर रहा था, कर रही थी कि जो आपने मींस हैं उनको सही यूज करके मैक्सिमम डिमांड्स को पूरा कर लें। लेकिन ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन किस पे फोकस कर रही है कि हमने आज की डिमांड भी पूरी करनी है और उसके साथ साथ इस बात पे भी फोकस रहना है कि फ्यूचर में जो आने वाली जनरेशंस हैं उनके लिए हमने कैसे एफिशिएंट एलोकेशन करनी है रिसोर्सेज की, जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। देन फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट नहीं होने चाहिए और साथ साथ उनकी प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज करना है। सो इन दिस वे दिस ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन टॉक्स अबाउट पॉजिटिव साइंस एज वेल एज नॉर्मेटिव साइंस, एंड इट टॉक्स अबाउट प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर एंड सस्टेनेबल डिवेलपमेंट, सो दैट वी कैन यूज आर मिनिमम रिसोर्सेज इन एन इफेक्टिव एंड एफिशेंट वे टू achieve our demands and save our resources for future also. So in this way, this is a wider definition of economics. So hum jab economics ko define karenge, we can sum up the definitions of economics into four heads. One is a wealth definition, the second is a welfare definition, and third one is a scarcity definition, and last one is a growth oriented definition. A mediocre teacher explains, a good teacher demonstrates, and a great teacher inspires. A journey which began over 100 years ago, this is the story of Guru Har Gobind Sahib Khalsa College, also known as the Wonder in Rural Hinterland.